अच्छा आज जो है हम शाम के ट्रैक जा रहे हैं भाई, बटोगे बट बंडी बट। आ गई है पुलिस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर व्लॉग्स। अच्छा आज जो है हम शाम के ट्रैक जा रहे हैं, गाड़ियां साफ हो रही हैं। ये हमारे बंटी भाई की एक्स है, रियाज आई भी है, ये हमारे हाजी साहब की एच, और जो है फिर आपके सामने जो है ईएफ, हमारे सारे लड़के खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह जो है अभी बस निकलने की तैयारी है, सबकी साफ हो गई है गाड़ी, वो भी बस होने वाली कंप्लीट, तो फिर निकलते हैं। भाई तो हम पहुंच चुके हैं ट्रैक, तो ट्रैक के अभी लेट हो गए लेट हो गया मैं लेट हो गए तो खैर लेट हो गए तो भाई हम ट्रैक पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह जो है अभी और भी गाड़ियां आ रही हैं, तो जैसे जैसे गाड़ियां आती रहेंगी हम आपको जो है चेक करवाते रहेंगे। भाई साहब आज तो आप फुल डायरेक्ट हो, क्या बात है माशाल्लाह, आप नई नई ट्यून भी करके ले आए हो गाड़ी, क्या बात है क्या बात है, अभी क्या बात है, भी आ रहे हैं तो उनसे ही मिलाएंगे। भाई बटोगे बट बंटी बट आ गए, अपनी गाड़ी फुल इन्होंने स्टाइल से लगा दी है फुल, अभी इनका फोटो शूट हो रहा है, ये देखे भाई। तो बंटी भाई आपके जो मेहमान थे इस्लामाबाद से आए थे, किधर है वो? ये रे भाईजान, आपको कैसा लग रहा है कराची का ट्रैक ये बताओ, अभी तो अभी स्टार्टिंग है, अभी आ रही है गाड़ियाँ, मगर आपको कैसा लग रहा है ये बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो भाई। बाजवा साहब आ गए, बाजवा साहब अपना वेपन लिया है, और अभी जो है सबकी फोटो शूट हो रही है। अच्छा आ रहे हैं वो भी भाई, आप क्या कह रहे हो, आप बताओ। भाई साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आपने सारी बात यही करनी है ब्लॉग के अंदर। भाईजान इनका चैनल आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल का नाम बोलो, और अगर आपका दिल चाहे इनकी शक्ल अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दे AUR व्लॉग्स को, और जो है बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, किधर किधर बच्चे कुमार है भाई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई है, पुलिस बच्चे को रही है।
अपने भाई के बच्चों को खाना है। वो देखो ये देखो बीके भाई के तो वो जगह जो है ना चर्चे है भाई, खतरनाक वाले। अस्सलाम वालेकुम, आज जो है हमारा तीसरा दिन है जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद जो है अब मैंने असल में एंडिंग बनानी थी। पहले तो मेरा था कि मैं व्लॉग ही नहीं डाल रहा था, मगर फिर मैंने सोचा यार हमारे साथ कुछ सिनेरियोज ऐसे हुए थे वहाँ पे जो कि फिर मैंने बोला कि मैं अपने व्लॉग के थ्रू से एक मैसेज दे सकूँ। तो खैर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि बोट ड्राइवर आसिफ अलहमदिल्ला रिवो का जो ड्राइवर था वो भी सेव है, और उस्मान जो है हैच में था वो भी सेव है। माइनर सी चोटें आई थी रिवो वाले को, कांच वांच क्योंकि टूटा था उसका, तो उसके पीछे बैक पे और नेक पे आया था, तो वो तो सही है। और उस्मान के जो है पैर वैर में कट लगे थे तो वो भी ठीक है अलहमदिल्ला। अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि आपको पता है कि उस टाइम पे तो फिर जो है कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ जो है हम सब ब्लैकआउट हो गए थे कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि हमारे साथ ये पहला एक था कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट हुआ था। तो खैर मेरी असल में जो है कार कम्युनिटीज़ जो हैं, कार कम्युनिटीज़ की जो पेजेस हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि मुझे एक बड़ा अफसोस हुआ वो इस बात पर कि जो है एक तो हमारी वीडियो जो है वो वायरल हो गई बहुत ज़्यादा, जो कि करनी नहीं थी। दूसरा ये है कि हम जब गाड़ियाँ तैयार करते हैं कोई अच्छी चीज़ लगाते हैं तो सो कॉल्ड जो हमारे प्रमोट जो करते हैं कार कम्युनिटीज़ को, पेजेस जो प्रमोट करते हैं, उनके लिए मैं मेरा एक मैसेज था कि जब हम आपको पिक्चर्स वगैरह देते हैं, जब हमारी अच्छी गाड़ियों के हम पिक्चर आपको देते हैं कि आप फॉरवर्ड करें, आप अपने पिक्चर अपने पेज पर लगाएं, तो आप जो है हमसे चार्जेस मांगते हैं कि यार आप इतने पोस्ट के इतने चार्जेस होंगे। तो आप जब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो आपने जो है वो फ्री में आप जो है वो वीडियोस लगा रहे हैं अपने व्यूवर्स के चक्कर में, आप ये देखें कि वो गाड़ी कौन सी थी, उससे जो है वो हमारा मोटर स्पोर्ट जो है वो बदनाम होगा, क्योंकि एक इमेज गलत चली जाती है। बहरहाल गलती में मैं किसी की नहीं आता कि गलती क्या थी, किसकी गलती है, मैं इस पर नहीं बहस पे नहीं पढ़ना चाह रहा, मगर जो है एक हमारा जो इमेज है वो ख़राब हो रहा था। तो ये जो है मैंने जो एक मेरा मैसेज था के लोगों के लिए कि यार इस तरह की जो हरकत जो हुई थी उस टाइम पे, तो मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब है। और जो काफ़ी जो मशहूर लोग थे जिन्होंने मौके पे फ़ायदा उठाया था उस टाइम पे, हमें काफ़ी बातें सुनने को मिली, मैंने काफ़ी मैसेज देखे ग्रुप में अलग अलग, तो खैर सबको बर्दाश्त किया। तो मेरा फिर इसलिए मैंने बोला चले अब मैं व्लॉग में जो है अपने एंड में ही मैं जो है एक मैसेज दूँ कि यार देखें, एक जब इस तरह का कोई बुरा वक्त आ जाता है ना किसी के ऊपर, तो वे सारे मिलके जो है इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें, यानी कि कोई मज़े ले रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मुझे और कोई मुझे उसी वक्त जो है एस्टिमेट भी दे रहे होते हैं गाड़ियों के, यार ये इतनी के फ्रंट नोज आ रहा है, ये आ रहा है, तो भाई वो उस टाइम वो बताने की चीज़ें नहीं है मुझे। और बहुत शुक्रिया लोगों का जो उस टाइम पे मुझे, क्योंकि इस्लामाबाद से लाहौर से मेरे वॉइस को बहुत कॉल्स आई हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया। कराची से जो है काफ़ी हमारे वॉइस से वो उस टाइम पे पहुंच गए थे, जैसे उनको न्यूज़ मिली तो वो उस टाइम पे आ गए थे सारे, तो उन सब का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ खड़े हुए एंड टाइम तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सबका जो जिन्होंने हमारा साथ दिया, और जिन्होंने नहीं दिया वो हमें दिख भी गया कि कौन जो है वो नहीं दे सकता है एंड टाइम पे इस तरह का। तो खैर मेरा बस यही मकसद था व्लॉग का, और आप लोगों को ये मैसेज पहुंचाना था। बाकी जो कार कम्युनिटीज़ के जो प्रमोट जो करते हैं कार कल्चर को हमारे, तो उनके लिए एक पैगाम था।
बहरहाल अल्लाह का बहुत करम है कि कोई जो है हमारे जान नुकसान नहीं हुआ, उसका बहुत करम है। ड्राइव जब भी आप करें तो एक सेफ्टी उसमें करें और एहतियात करें। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।